विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने किया डिप्टी कार्यालय का घेराव। जी हां, अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अहमदपुर गांव में एक 22 वर्षीय विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। वही मामले में 1.5 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने सीओ ग्रामीण डॉक्टर पूनम का घेराव कर अहमदपुर निवासी 22 वर्षीय नीतू जांगीर का विवाह 9 फरवरी 2023 को अहमदाबाद निवासी जितेन जांगीर के साथ हुआ था। जानकारी के अनुसार शादी के बाद से ही परिजनों द्वारा दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। वहीं कुछ दिनों से विवाहिता पीहर में थी, जहां उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही। बताएं, आज सब यहां क्यों इकट्ठा हुए हो, क्या पूरा मामला है? यहां पे है ना, हमारी लड़की को इन्होंने वही कर दिया, तो हमारी कोई 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 सोनी न रहे, वो भी बिल्कुल नहीं सुनती, हमारी धमकी दे दी है। क्या धमकी? ऐसे बोलती मैं क्या उसको ध्यान से मारूं? हम ध्यान से मारने के थोड़े ना बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं उसको ना दिलाओ। लड़की की माँ तो आई नहीं, लड़के को भेजी, सारी गलती तो लड़की की माँ की है ना। हाँ, किसने धमकी दी है? ये मैडम ने दी है हमारे धमकी, ये तो मेरा परिवार है, ये तो साथ रहेगा ही। सीओ मैडम ने धमकी दी है, किसने पैसे खाली होंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं, तो मैंने तो सारे पैसे बेटी की शादी में लगा दिए। दूसरी जो पार्टी है, जो आपको बेटी के ससुराल पक्ष वाले कितने पैसे मांगते थे आपसे? हर बार वो तो हर बार मांगते थे वो तो। ननद भी टॉर्चर करती थी, तू ये नहीं लाई। लड़के की माँ भी टॉर्चर करती थी, लड़के ने ये बोला। मैंने तो ऐसे सोचा था फॉर्चूनर लेके आएगी, जब पहले ही बोलते थे ना फॉर्चूनर ले की वही तो हम करते ही नहीं रिश्ता। गाड़ी की भी ऐसे बोली कि भाई हमको गाड़ी नहीं लेनी, हमको केस कैश लेना है। फिर बाद में गाड़ी की भी बोली उन्होंने। लड़के ने आप तो बच्चा कहां किए हैं आपके लड़के या उसके ससुराल? पीयर में कराया, पीयर में। हां, 6 घंटे बात करी है उसको, लगातार परेशान करती है, लगातार परेशान कर रही है मेरी लड़की को, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। क्या नाम है आपका? सुशीला। किस तरह का मामला दर्ज हुआ था, है? 13 मई 2024 को मनोहर जांगीर निवासी अहमदपुर थाना अकबरपुर, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी पुत्री नीतू जांगीर, जिसका विवाह जितेंद्र पुत्र विमल के, विमल जो अहमदाबाद का रहने वाला है, उसके साथ फरवरी 2023 में शादी हमने बड़े धूमधाम से की थी। उसके पश्चात नीतू को उसके जो सास ससुर ननद और पति है, वो दहेज के कारण टॉर्चर करते थे, जिसके कारण नीतू ने 12 मई 2024 को शाम 6 बजे के आसपास आत्महत्या कर ली। और इस पर जो है मुकदमा 498A 304B में दर्ज हुआ। इस मुकदमे में परिवादी पक्ष से अनुसंधान हो चुका है। अनुसंधान में परिवादी पक्ष ने बताया कि नीतू जांगीर ने दहेज के कारण आत्महत्या की है। इस पर अभी आरोपी पक्ष से अनुसंधान किया जाना शेष है। वैसे अभी आज हम पति, जो कि हमारी फाइल में मुलजिम है, उसको आज हम गिरफ्तार करेंगे और आगे अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।